वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्लांट रिप्रोडक्शन का लेवल वन और लेवल टू, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेवल वन एंड लेवल टू। लेवल जीरो में यहीं पे आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सभी स्टूडेंट्स को जो वो मोस्टली अच्छे से आता ही है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इस चैप्टर को अच्छे तरह से जानते भी हैं, पढ़ा भी हुआ है। तो रादर आई विल स्टार्ट फॉर द नीट, क्योंकि नीट के लिए जो क्वेश्चन आएगा वो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि लेक्चर जो लास्ट टाइम पे जो नीट था तो उसमें एम्स और जेकमर जो वो एडेड नहीं थे, बट इस बार जो वो एम्स और जेकमर भी एडेड है। तो यू ऑल हैव टू बी कीप इन माइंड द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम लेवल वन और लेवल टू ओनली। सो जो लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस सेक्शन। तो ये मैंने सारा कुछ जो लेवल वन और लेवल टू के क्वेश्चन कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, वो लिख मैं यहाँ पे पहले इसलिए देता हूँ सो दैट कि कई बार जो मैं अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो बीच में जो मुझे लिखते लिखते जो टाइम जो है कुछ ज़्यादा कंज्यूम हो जाता, तो वीडियो लेक्चर में आई वॉन्ट कि जो द क्वालिटी इट शुड बी लाइक ए क्वालिटी लेक्चर, नॉट ए क्वान्टिटी। इसकी जो वो वेटेज कम हो, बट जो क्वालिटी जो वो लेक्चर की ज़्यादा हो, कंटेंट जो वो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल जो है वो ज़्यादा हो जाए, मेरे से ज़्यादा डिलीवर हो जाए, कोई क्वेश्चन मेरे से छूट ना जाए। सो लेवल जीरो में ऊपर यही पे आपके सामने थोड़ा सा साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेवल वन और लेवल टू के काफ़ी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है फॉर द नीट क्रैश 2020। जब आप लोग सारा ये चैप्टर गो थ्रू कर लोगे उसके बाद जो है एनसीईआरटी में पढ़ने के बाद ये जो है लेक्चर थोड़ा सा मेरा अटेंड कर लेना, उसमें ये होगा कि आपका जो पार्ट है वो लेवल वन और लेवल टू भी हो जाएगा। तो इट विल बी गुड फॉर यू फॉर द नीट, अपकमिंग नीट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट आवर द लेक्चर। जैसा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, सेम एज इट इज। द फर्स्ट वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसा कि प्लांट में हमने किया था, ह्यूमन में भी सेम प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा गैमेटोजेनेसिस एज वेल एज द कॉपुलेशन। फर्टिलाइजेशन में डायरेक्शंस जो वो फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स को पहले तो बनाना पड़ेगा। तो मेल एंड फीमेल की जो वो गैमेट्स जब वो बनते किसके अंदर है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, वो मेल के अलग है फीमेल के अलग है, मतलब मेल। तो इसी के सेम इसमें इसी के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं ऊपर से काम कर देता हूं। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलाइजेशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पहले ये फोर पार्ट एक्सप्लेन करता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द, इसमें जो क्वेश्चन आपको आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से, अगर क्वेश्चन आपको आता तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही जब वो मेल की प्यूबर्टी आती है, मेल की प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी से 13 to 14 ईयर के बीच में जैसे मेल की एज बनती है,
तो प्यूबर्टी चेंजेस आते हैं जिसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि सभी को पता है LH और FSH का फंक्शन। LH का फंक्शन मेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल आर टू बी सराउंडेड ऑन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं राउंड अबाउट पूरे टेस्टिस, इन ईच टेस्टिस अराउंड अबाउट 600 to 700 अप्रॉक्सिमेटली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर एक्चुअली द स्पेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। तो ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज टू बी सराउंडेड बाय द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। फर्स्ट वन इज द लेडिंग सेल एज वेल एज द Sertoli cells. Leading cells are round shaped cell and the ovoidal shaped cell are the Sertoli cells. Leading cells का function है जो testosterone को activate करना, which is to be responsible for formation of the sperm. तो leading cell जब activate हो जाएगा तो वो testosterone को activate कर देगा। Testosterone अब इस पर spermatogenesis start कर देगा। Already seminiferous tubules के अंदर spermatogonia present होते हैं। वो spermatogonia primary oocyte में primary spermatocyte में convert होते हैं। primary spermatocyte की फिर mitosis होती है, वो secondary spermatocyte में convert होता है। secondary spermatocyte जो वो आगे spermatid बनते हैं, spermatid से आगे spermatozoa बनता है। तो वो formation of the spermatogenesis process, तो वो आपको अच्छे तरह से आता ही है। What is the difference between the spermatogenesis, spermiogenesis and spermations? तो ये बस इट वाज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपने जब वो सीबीएसई में भी अच्छे से पढ़ा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे ही जो प्यूबर्टी आती है तो हमारे जो वो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है LH जो वो सेक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ब्लड में LH का लेवल जैसे ही बढ़ जाता है उसका टारगेट होता है टेस्टिस, because the spermatogenesis takes place in the testis and oogenesis takes place in the ovary. Spermatogenesis के अंदर जैसे ही जो वो spermatogenesis शुरू कैसे होगी, जैसे ही LH hormone जो वो उसका level blood के अंदर बढ़ेगा, target उसका जो वो testis है seminiferous tubules के ऊपर, जो surrounding cell जो leading cell है, leading cell के ऊपर जाके वो attack कर देता है। तो leading cell activate हो जाता है, leading cell activate होता है तो sperm टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन एक्टिवेट हो गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब टेस्टोस्टेरोन ने स्पर्म तो बना लिया बट इट विल नॉट बी एबल टू मूव। उसके बाद जो वो उसको स्पर्म को जो वो नरिशमेंट चाहिए होती है, तो नरिशमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द लीडिंग सेल, इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द नस सेल। नस सेल को हम कौन से सेल है, ये Sertoli cells. Sertoli cells are also known as a nut cell because they are responsible for providing the nourishment to the developing sperm. How? But the sperm cell is inactivated. If you want to nourish to the developing sperm, then you need to be activate the Sertoli cell. So Sertoli cell ko activate karna bahut zaruri hai. Jab Sertoli cell ko activate kaun karega? Wo karega FSH. That is to be also be secreted by your pituitary gland. Pituitary gland ka jo ek second hormone hai FSH, follicular stimulating hormone, is responsible for activating the Sertoli cell. Sertoli cell को activate हो गया, वो जो sperm जो वो nourishment होनी शुरू हो जाएगी, sperm की पूरी complete structure बन जाएगी। It is to be अब spermatogenesis भी हो गई, spermiogenesis, spermiogenesis में जब spermatid जब spermatozoa में convert हो जाता है, क्योंकि उसको motility मिल जाती है, nourishment मिल जाती है, tail साथ में attach हो जाती है। अब seminiferous tubule में से spermatozoa का निकलना, it is इसको बोलते हैं spermiation। जैसे इस परमिशन होती है तो एक सीक्वेंस, आपको इस सीक्वेंस का क्वेश्चन आ सकता है। अगर लेवल जीरो का क्वेश्चन आया तो वो सीक्वेंस में से आ सकता है कि सबसे पहले स्पर्म कहां से चलता है, वो चलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद। जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो सभी अपना स्पर्म इकट्ठा करके रेटेड टेस्टिस के अंदर डालती है। एक लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया जहां के उसको रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। रेटेड टेस्टिस के आगे 15 to 20 जो वो ईच सेमिनिफेर वासा एफरेंशिया होती है। वासा एफरेंशिया आगे जो वो जितना भी स्पर्म है वो आगे फॉरवर्ड कर देती है एपिडिडाइमस को। एपिडिडाइमस के जो वो तीन पार्ट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक जो वो टर्मिनल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल पार्ट है जो वो कैपट, सेकंड पार्ट है कॉर्पस एंड द थर्ड पार्ट इज कॉडा। पहले जो वो स्पर्म टेम्परेरी बेसिकली स्टोरेज ऑफ द स्पर्म टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में जाता है। फिर जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे ही जो वो कॉर्टेक्स के टाइम पे स्पर्म की इजैकुलेशन होनी है तो इट विल मूव फ्रॉम द एपिडिडाइमस एंड मूव टू द वास डिफरेंस, देन इट विल पासेस थ्रू द वेरियस जो वो एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑन द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एज वेल एज द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में से जो डिस्चार्ज हो जाता है, इजैकुलेट हो जाता है। दिस वाज द कंप्लीट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द स्पर्मेटोजेनेसिस आई हैव एक्सप्लेन। सो सेकंड पार्ट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसा ही है। अब मेल के अंदर पहले नंबर पे LH आता था, हार्मोन रिलीज करता था उसके एंटीरियर पिट्यूटरी में, बट फीमेल के अंदर जो है वो FSH पहले आएगा, LH बाद में आएगा।
मेल का है, दोनों के दोनों एल एच और एफ एस एच दोनों का रोल जो है वो मेल और फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, बट मेल के अंदर उसका फंक्शन अलग है, फीमेल के अंदर उसका फंक्शन अलग है। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर पहले जो एल एच आता था, सेकेंड नंबर पे एफ एस एच आता था, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल के अंदर पहले एफ एस एच आता, दूसरे नंबर पे एल एच आता। फीमेल के अंदर ऑलरेडी जो वो राउंड अबाउट जो वो फॉलिकल्स प्रेजेंट ऑलरेडी बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं। लाइक टॉक अबाउट साथ साथ में बीच बीच में मैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लें। अकॉर्डिंग टू स्पर्मेटोजेनेसिस आई थिंक जो जो भी क्वेश्चन हो गया वो द स्मॉलेस्ट स्पर्म लेवल वन के क्वेश्चन है, साथ साथ में एक्सप्लेन करता हूँ, ऊपर टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, फिर बीच बीच में जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉप क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कर लिया, स्पर्म की वी विल डिस्कस अबाउट द स्पर्म। स्मॉलेस्ट स्पर्म पूरे पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, द स्मॉलेस्ट जो वो स्पर्म साइज किसका, देन आंसर विल बी द क्रोकोडाइल। तो ये आपका फर्स्ट नीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। द लार्जेस्ट स्पर्म साइज ऑफ द डिस्कोग्लॉसिस लाइक द फ्रॉग, 2 mm का साइज होता है इसका। तो स्पर्म टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें अगर हम, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्पर्म बनता है तो वो बोलता है कि कैन यू प्लीज टेल मी द नेचर ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, इसके बीच में डिफरेंस बताओगे। इससे पहले होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, कितने सारे जो है वो स्पर्मेटोगोनिया ऑलरेडी सेमिनल वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे जस्ट गेट नीड टू बी स्टिमुलेटेड। तो कंटीन्यूअसली पहले माइटोसिस डिवीजन होती है, माइटोसिस में नंबर ऑफ जो वो क्रोमोसोम जो वो सेम रहता है, यानी कि 2n से 2n ही रहेंगे, वो 2n से 1n नहीं होंगे। मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो इक्वेशनल डिवीजन ही चलती है पहले। तो स्पर्मेटोगोनिया की सबसे पहले माइटोसिस ही चलती है, तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द, जैसे स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जैसे ही माइटोसिस होगी तो कितने सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन जाएगा सेकेंडरी, द फर्स्ट M1, व्हेन द M1 विल बी टेक्स प्लेस, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जितने भी माइटोसिस के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। स्पर्मेटिड में क्योंकि इसमें M1 होती है, तो M2 जो होती है वो किसमें होती है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड बोलते हैं तो M2 होती है, बट M2 तो इक्वल टू द जो वो माइटोसिस ही होती है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, तो इट विल आल्सो बी लाइक दिस स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड भी जो हैप्लॉइड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोड जो होता है ये डिप्लॉइड होता है, ये जो है ये भी डिप्लॉइड होता है, और स्पर्मेटोजोआ तो हैप्लॉइड ही होता है। तो गॉट द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया की माइटोसिस होती है, फिर कितने सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, उसके सारे कितने सारे स्पर्मेटोगोनिया जो भी बन चुके होते हैं उसकी फर्स्ट जो वो पहले माइटोसिस होती है, माइटोसिस के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फर्स्ट, बिकॉज जो मियोसिस होती है दैट विल बी कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू द टू पार्ट M1 एज वेल एज M2। M1 इज रिडक्शन डिवीजन, बट M2 इज नॉट द रिडक्शन डिवीजन, इट इज इक्वेशनल डिवीजन, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं M2 में, M1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। तो M1 जो वो प्रोसीड हो जाती है, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, बट M2 जो स्टार्ट होती है वो बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड जो बनता है इसको बोलते हैं हम M2। तो M2 प्रोसीड हो चुकी है, इसके बाद स्पर्मेटोजोआ का जैसे ही इसमें टेल लगती है तो वो फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो दिस इज ऑल टू बी कंप्लीटेड। Let's talk about the structure of the sperm. जैसे कि structure of the sperm के अंदर क्या है कि 3 parts में divided होता है, head, middle part, head होता है, middle part होता है और tail होता है। Head और बीच middle part के बीच में कई books में neck का part भी दिया हुआ है और head के ऊपर acrosome part भी दिया हुआ होता है। तो very important question about the sperm की अगर diagram वो बोलते देखें कि अगर if we talk about the structure, अगर आप इसका
ये जो एक्रोसोम पार्ट है, क्वेश्चन इसका ये आता है कि ये इसका जो एक्रोसोम पार्ट है, दिस इज आउटर पार्ट, जो टर्मिनल पार्ट है, एक्रोसोम पार्ट होता है, ये टेल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसका, जिसके ऊपर जो वो एक्रोसोम लगा होता है, तो क्वेश्चन इसमें से ये आता है, ये जो एक्सोनिम एक्रोसोम होता है, इट इज मेड अप बाय डैश ऑर्गेनली ऑफ द सेल। तो ये लेवल वन का क्वेश्चन इसमें से निकल गया। नॉर्मल तो आपका तीन पार्ट आ गया, इसमें लेवल जीरो के क्वेश्चन है, उसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, एक्सोनिमा होता है, फ्लैजुलर स्ट्रक्चर होता है, टेल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मोटिलिटी। ये लेवल जीरो के क्वेश्चन। लेवल वन का क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है कि इसके अंदर जो वो एंजाइम, पहले तो बताओ इसके एंजाइम कौन कौन से, इसके अंदर एंजाइम हाइड्रो हायलुरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग द हायलुरोनिक एसिड, विच इज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ द हायलुरोनिक एसिड सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स ऑफ द कोरोनल एरिएटा, ये डाइजेस्ट कर देते हैं उसको। और उसके बाद सेकंड पार्ट में ये जो न्यूक्लियस आ जाता है, इसमें न्यूक्लियस आ जाता है एक्रोसोम के अंदर, तो बोलते हैं जो एक्रोसोम बनता है, एक्रोसोम को बनाने वाला कौन सा ऑर्गेनली है, कैन यू प्लीज टेल मी द ऑर्गेनली विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द ऑर्गेनली एक्रोसोम। तो वो राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी एपरेटस है, या फिर इसके लाइसोसोम, देन आंसर विल बी द गॉल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द एक्रोसोम पार्ट। वो बोलता अब आ गया इसके अंदर जो एक्सोनिमल स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो एक्सोनिमल स्ट्रक्चर होती है, एक्सोनिमल स्ट्रक्चर का वो बोलता है इसके अंदर सेंट्रियोल होते हैं, तो सेंट्रियोल होते हैं तो इसका अरेंजमेंट बताओ, एक्सोनिमल जो अरेंजमेंट बताओ, अरेंजमेंट दो ही होते हैं, एक 9+0 होता है, एक 9+2 होता है। तो इसका जो वो एक्सोनिमा का जो अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 के 9+2, आंसर विल बी द एक्सोनिमा स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट होता है 9+2, यानी कि 9 प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो इसके पेरिफेरल पार्ट में है, 2 इसके सेंटर में पार्ट के अंदर है। ये सेल स्ट्रक्चर में आपने किया होगा सेंट्रियोल का, तो 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। तो दिस इज लेवल 1 क्वेश्चन कैपेसिटेशन। अब स्पर्म के अंदर जो है वो बोलता है, स्पर्म जब एट द टाइम ऑफ द ओवुलेशन, व्हेन द मेल एंड फीमेल जो वो ड्यूरिंग द कॉम्पोजिशन द मेल सीमन इज टू बी डिस्चार्ज इनटू द फीमेल वजाइना, तो इट विल मूव टू द जब वो ओवम, मूव टुवर्ड द ओवम, जब ये ओवम के पास जाके इसकी एक्सोनिम इसकी जो एक्रोसोम मेम्ब्रेन है वो रप्चर होएगी, इसके अंदर जो वो ऐसी क्या एक्टिविटी आ जाएगी जिसके कारण जो इसकी इसकी जो वो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगी, एक्सोनिमा मेम्ब्रेन रप्चर होगी, तभी तो इसमें से हाइड्रोलाइटिक और जो वो प्रोटोलाइटिक एंजाइम रिलीज होएगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेटिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो इसके लिए वो बोलते हैं इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर होना, इसमें 5-6 hours लग जाते हैं, आफ्टर 5-6 hours जब वो ये 5 तो ये आधे घंटे में जाता है। नॉर्मली जो है अगर देखा जाए तो बेसिकली टाइम स्पर्म टाइम टेकन बाय द स्पर्म टू रीच एट ओवम ये 30 मिनट के बीच में पहुंच जाता है, विद इन हाफ एन आवर के बीच में ये ओवम तक पहुंच जाता है, बट उसको पेनेट्रेट करने में और उसकी इसके अंदर से जो हायलुरोनिडेज एंजाइम है या फिर अदर एंजाइम है प्रोटीनेज एंजाइम जो है वो उसको निकलने में से निकलेगा, तो वो तभी ना जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर होगी, तो उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करने में कितना टाइम लेता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन को कहीं लिंक मत कर देना, कैपेसिटेशन को ये मत लिख दिया कि कितना टाइम कैपेसिटेशन वो कि जैसे डिस्चार्ज हुआ वो वजाइना के अंदर तो वो ओवम तक पहुंचते पहुंचते, दैट इज नॉट द कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन वो है जब ये पहुंचने के बाद वहां पे एग में पहुंचने के बाद एग के पास पहुंचने के बाद जब ये कितना टाइम लेता कि अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर कर दे और जितने भी सारे इसमें सेल है वो एंजाइम को रिलीज कर दे, तो दैट इज द कैपेसिटेशन। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द कैपेसिटेशन एज वेल एज द जो वो ट्रांजिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन पर बात नहीं करते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ द स्पर्म राउंड अबाउट 42 डिपेंड्स, वैसे तो हमारी जो ऑन एन एवरेज इफ यू टॉक अबाउट ऑन एन एवरेज तो इसका जो टाइम आउट 24 hours to 48 hours के बीच में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, हर एक बुक में कई बार में वेरिएशन की है, बट इट डिपेंड्स ऑन द जो वो क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट वी नीड टू बी फोकस ऑन द एनसीईआरटी बुक्स, आंसर 24 hours to 48 hours के बीच में आपका, एंड का 48 hours का एनसीईआरटी में दिया हुआ, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन ऑन द 48 hours। लैक्टोबैसिलस
अब ये भी हो गया और स्पर्म के क्वेश्चंस। ये है एक्सेसरी ग्लैंड्स के क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि अगर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टोटल जो वो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टोटल 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो 5 क्वेश्चन में से पॉसिबिलिटी यही है कि 3 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन ओनली। इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन चांसेस जो है वो फिक्स है, दैट विल बी फ्रॉम द पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बीच में से आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बीच में स्पर्म से रिलेटेड जरूर होगा। तो उसी लिए मैं थोड़ा सा फोकस इस पार्ट पे जरूर किया क्योंकि लेवल 1 और लेवल 2 में मैंने इसके क्वेश्चन जो है अडॉप्ट कर दिए हैं। तो एक्सेसरी ग्लैंड को मतलब ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है भाई, ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको जो वो एक कॉमन सा भाई, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज़ इट रिक्वायर्ड 2 टू 3 डिग्री लेस टेंपरेचर दैन द बॉडी टेंपरेचर। सो which who is responsible for connecting the abdominal part to the descended testicles which are located outside the body, so that answer is the inguinal canal which connect the lower abdomen part to the testicles. What is the difference between the testicle and testis? Can you please tell me difference between the testis and testicles? Testicles, testis akele testis hote hain, testicles mein टेस्टिस प्लस साथ में एपिडिडाइमस होती है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हम कर रहे थे ग्लैंड्स, जैसे ही जो वो स्पर्म मोटाइल होके जैसे ही उसको स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होके मोटाइल होके वो मूव करके जो वो पहुंच जाता है सेमिनल वेसिकल में, वैसा पास डिफरेंस के बाद वो एक्सेसरी ग्लैंड तीनों के तीनों ग्लैंड में एक्सेसरी ग्लैंड में से पास आउट होता है, जिसमें से पहली ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल में से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आ सकता है कि सेमिनल वेसिकल के अंदर ऐसा क्या होता है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो सेमिनल वेसिकल के अंदर सेक्रेशन जो है वो उसकी कंपोजिशन की सेक्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम विच द फर्स्ट वन आई हैव मेंशन द फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये सेमिनल वेसिकल का आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस कौन सी ऐसी ग्लैंड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोर्टेलिटी इंक्रीज कौन करवाती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड जो वो कॉपर ग्लैंड। तो मेन इज द मोर्टेलिटी इंक्रीज करवाने वाली कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड। Prostate gland is responsible for increasing the sperm की motility को increase करवाती है, acidic, अब slightly acidic nature जो है इसको provide कर देती है। 25 most of part sperm के अंदर, you know what is the difference between the sperm and the semen? Sperm के अंदर जो है वो seminal plasma नहीं होता, जो vas deferens के अंदर से आता वो sperm होता है, बट जब स्पर्म के साथ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की सेक्रेशन जब मिल जाती है, यानी कि जब ये दोनों की जो सेक्रेशन होती है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट दोनों की सेक्रेशन को हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म जब दोनों को मिला के इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम होता है सीमन, ठीक है। तो सीमन, अब वो बोलते हैं सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट के बीच में इनोसिटॉल कौन रिलीज करता है, Inositol is the substance which is to be secreted by the seminal vesicle to jab wo providing the nourishment. Okay, so next is the citrate ko bolta hai kaun release karta hai, prostate karta hai, seminal vesicle karta hai ki copper gland karta hai. Citrate is jo secreted by the seminal vesicle. Ek thodi si typical term di hui hai, uterus masculinus. Uterus masculinus is the term which is used basically used for the juice of the seminal vesical gland. It is a secretion of the seminal vesical gland which will provide the nourishment to the sperm as well as provide the energy provide करने वाला substance किसमें present है। वो बोलता है कि sperm के अंदर energy provide करने वाला substance किसके अंदर present है, कौन provide करता है, seminal vesical, prostate के copper gland। तो वो बोलता है आप ये तो component आपको सभी को याद हो गए, fructose हो गया, citrate हो गया, inositol हो गया, prostaglandin हो गया, और क्वेश्चन और टोटल स्पर्म में से अगर जो है वो 100 ml स्पर्म है, सॉरी 1 ml स्पर्म है तो 10 ml स्पर्म है तो 10 ml स्पर्म के अंदर जो वो 66 ml जो होगा वो दैट विल बी द सेक्रेशन ऑफ द
सेमिनल वेसिकल्स। 25% के जो वो कंटेंट होगा वो प्रोस्टेट होगा, 5% रिमेनिंग जो वो इनगार्डन में बचता है। नेक्स्ट है वो बोलता कि सिट्रेट हो गया, इनोसिटल हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, रेस्पिरेटरी। इसमें से वो बोलता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस कौन सा होता है, हु इज द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द जो वो सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। That answer is the fructose. एक और क्वेश्चन ये बार आता है कि ड्यूरिंग द रेप टेस्ट ऑफ द फीमेल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो वो रेप टेस्ट करने के, रेप टेस्ट जो वो इज टू बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फीमेल वजाइना। आंसर इज द आंसर देगा फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायग्नोसिंग द रेप विच इज टू बी प्रेजेंट इन द फीमेल वजाइना, दैट विल बी कंफर्म द कॉर्टिस इज टू बी डन और नॉट। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल का हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, 60% की वेटेज होती है इसकी, स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, फिब्रिनोजन प्रेजेंट होती है, फिब्रिनोलाइसिन होते हैं और मोटिलिटी इंक्रीज कर, एयर मोटिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। कॉपर ग्लैंड होती है, कॉपर ग्लैंड इज टू बी जस्ट प्रेजेंट, जस्ट इजैकुलेटरी डक्ट के साथ ही प्रेजेंट होती है। आप लोकेशन आप एनसीईआरटी में डायग्राम में आप चेक कर सकते हो, कॉपर ग्लैंड की जो लोकेशन होती है दैट विल बी जस्ट नियर टू द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के पास ही होती है। तो जैसे ही जो सीमन जो वो डिस्चार्ज होने के लिए जो रेडी होता है, तो उससे पहले ही जब वो कॉपर ग्लैंड एक लुब्रिकेटर रिलीज कर देती है, तो जैसे कि कोई एरिया होता है तो सरफेस एरिया वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, जिसमें से स्पर्म बड़ा हाईली स्पीड से जब वो निकल जाता है, तो जितना भी स्पर्म है वो हाईली स्पीड से ऊपर से निकल, उसकी स्पर्म की मोटिलिटी और इंक्रीज हो जाती है कि जो बिकॉज द ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ए पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ द स्पर्म इज रिक्वायर्ड, सो दैट प्रेशर इज फॉर एनहांसिंग द प्रेशर ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इज टू बी ऑल्सो टू बी रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द कॉपर ग्लैंड सेक्रेशन, दैट इज नोन एज द इट्स ऑल्सो नोन एज ए कॉपर ग्लैंड और बार्थोलम ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉमन बिटवीन मेल एंड फीमेल, इज कॉमन ये दोनों मेल और, इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्लैंड जो मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होती है, देन आंसर इज द कॉपर ग्लैंड, बार्थोलम ग्लैंड इज होमोलोगस फंक्शन टू द फीमेल ऑल्सो। ये बार्थोलम ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, होमोलोगस, यानी किसका आंसर आएगा, कॉपर ग्लैंड इन फीमेल मेल, बार्थोलम ग्लैंड होमोलोगस टू द कॉपर ग्लैंड एंड मेल। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें से वो तो सबसे पहली बार जब स्पर्म किसने डिस्कवर किया, पहले सबसे पहला जो वो ह्यूमन के अंदर स्पर्म किसने जो वो देखा, दैट आंसर इज लिवर हॉक। सबसे पहले वॉन बियर का पता आपको, वॉन बियर ने सबसे पहली टाइम जब वो स्टडी किसकी की थी, एग की, ह्यूमन एग की स्टडी किसने की, वॉन बियर ने, और लेवन हुक ने जब स्पर्म की स्टडी की सबसे पहले। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट टॉक अबाउट, ये आपका हो गया सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट हो गया, कॉपर ग्लैंड हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल ओजेनेसिस। तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिकली अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ग्लैंड द सर्विक्स, उसके पास एक्सटर्नल जेनिटल ट्रैक आ गई। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन द ओवरी, इन ईच ओवरी ऑल्टरनेटिवली, हर मंथ एक ओवरी में से जो वो एग निकलता है तो ऑल्टरनेटिवली निकलते हैं, तो टोटल जो वो फीमेल के अंदर ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम पे ही जो वो अराउंड अबाउट 80,000 के जैसे बर्थ होता है, तो वैसे ही उसी टाइम जो 80,000 फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से कुछ जो वो डीजनरेट हो जाते हैं और ओनली 400 के अप्रॉक्सीमेटली जो वो रहते हैं, बाकी सारे के सारे जो वो डिस्चार्ज डीजनरेट हो जाते हैं। तो इफ टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एग, सबसे पहले जैसे हम फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी जो वो आती है वो एज कम्पेयर टू ऑफ मेल जो वो थोड़ी देर पहले आ जाती है, इसकी जो एज है वो 10 to 13 ईयर के बीच में होती है। बट जो ब्लाइंड गर्ल्स है, एक थोड़ा सा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ, ब्लाइंड गर्ल्स में प्यूबर्टी पहले आ जाती है बिकॉज उसके अंदर जो वो उनकी ब्लाइंड गर्ल्स होते हैं एक हार्मोन होता है हमारा जो वो मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन्स टू बी सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड,
ठीक है, इट्स द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये हमारी आइस के पीछे जो है इसकी कम्बिनेशन होती है, ये जो है जैसे ही आइस के ऊपर पड़ती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर रेगुलेट करता है। तो ब्लाइंड गर्ल्स में तो लाइट फॉल वहां तक पहुंचेगी नहीं, जब ये पहुंचते नहीं तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है वो उनकी प्यूबर्टी जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अर्ली हो जाता है, उनकी प्यूबर्टी एज कम्पेयर टू नॉर्मल गर्ल्स जो वो पहले आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में जैसे ही हमने फीमेल के मेल के अंदर एलएचएस रिलीज करवाया, जैसे ही प्यूबर्टी चेंजेस आती है एफएसएच का हार्मोन जो है वो FSH हार्मोन को कंटिन्यूअसली जो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है फीमेल के अंदर। ऑलरेडी जो वो ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम पे ही जो वो एग बनना शुरू हो जाता है फीमेल के अंदर, जो एग की फॉर्मोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट जो है वो बिफोर बर्थ, यानी कि जब वो वॉर्म के यूट्रस के अंदर होता है फीमेल बेबी, तो तभी ही जो वो बनना शुरू हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जब M1 ओगोनिया, कितने सारे ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं, ओगोनिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ द प्राइमरी कन्वर्टिंग इनटू द वेरियस टाइप ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स, बट ओगोनिया जितने भी है वो प्राइमरी फॉलिकल्स कितने सारे प्राइमरी 1.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली टू 2 लाख 2.5 लाख के जो फॉलिकल्स बना देता है। ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो कितने सारे, पहले माइटोसिस डिवीजन होती है, माइटोसिस के बाद मियोसिस डिवीजन जो वो स्टार्ट तभी शुरू हो जाती है। मियोसिस M1 स्टार्ट ड्यूरिंग द फीटल लाइफ ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक क्वेश्चन आता है इसमें से कि जब इसमें आई थिंक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था कि फीमेल के अंदर जो है वो एग बनना शुरू हो, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फीटल मेम्ब्रेन। चल रही है तो मैं बता देता हूं आपको, स्टॉप लिखा था मैंने, ठीक है आई होप, एक मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग द फीटल लाइफ में M1 स्टार्ट हो जाती है, बट M1 जो है वो स्टार्ट तो हो जाती है बट इट विल बिकम स्टॉप। ये स्टॉप जो होती है इट स्टॉप्स एट विच फेज, कौन से फेज में ये स्टॉप हो जाती है। M1 जो स्टॉप होती है वो होती है प्रोफेज में, प्रोफेज वन में ये जो M1 है वो स्टॉप हो जाती है, फिर ये दोबारा रिज्यूम होती है जैसे ही जब वो प्यूबर्टी आती है। जैसे ही प्यूबर्टी होती है FSH का लेवल बढ़ जाता है, जैसे ही FSH का लेवल बढ़ता है फॉलिकल स्टिमुलेटेड प्राइमरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स से जो टर्शियरी फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स से ग्राफिन फॉलिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। जब ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं तो उस टाइम पे एफ फॉलिकल का लेवल FSH का लेवल जो वो कम हो जाता है और LH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। LH का लेवल इंक्रीज क्यों करता है, जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल के जो ग्रैनुलोसा सेल्स बनते हैं, द ग्रैनुलोसा सेल्स इन द ग्राफिन फॉलिकल्स द फॉर्म ड्यूरिंग द जो वो ओजेनेसिस, जब ग्राफिन फॉलिकल अपना एक हार्मोन उस टाइम पे भी एक एज ए ग्लैंड एक्ट करती है ओवरी के अंदर, जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो उसके अंदर जो सेंट्रोडर्म में प्रसिद्ध हो जाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही बढ़ता है तो वो LH को सर्च को इंक्रीज करवा देता है, यानी कि LH जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो FSH का लेवल अपने आप ही कम हो जाता है, LH का लेवल बढ़ जाता है। अब LH और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर जो है वो ओवरी में से जो एग ग्राफिन फॉलिकल के अंदर जो एग बन चुका होता है इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन, ओवुलेशन इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ द एग, ओवुलेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। इस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को करवाने के लिए दो हार्मोन चाहिए, एस्ट्रोजन में अकेले में इतनी पावर नहीं होती कि वो अकेला ही जो वो उसकी ओवुलेशन करवा दे। तो एस्ट्रोजन ओवुलेशन करवाने के लिए LH प्लस एस्ट्रोजन दोनों की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है। तो LH और एस्ट्रोजन दोनों मिलके ही जो वो ओवुलेशन करवा देते हैं, एग को बाहर निकाल देते हैं, जो रप्चर्ड पार्टी ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाते हैं, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर्ड होकर उसके बाद वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉर्पस लूटियम उस टाइम पे एक टेम्पररी ग्लैंड एक्ट करते हैं, जिसके कारण जब वो ग्लैंड है, ग्लैंड का नाम ग्लैंड क्यों पड़ा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सेक्रेट करते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर देती है। तो 16-17 डे के बाद ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड होती है, एक प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज तो हो जाता है इसमें,
तो ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो एंडोमेट्रियम डेवलप करता है तो उसको जो है वो यूट्रस में यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होती है तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अब कॉर्पस ल्यूटियम ने जब वो रिग्रेस होना शुरू हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस होके जो बिल्कुल नॉर्मल पार्ट में आ जाता है दैट इज नोन एज कॉर्पस एल्बिकंस, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन आ जाता है तो LHFSH का ऊपर से फिर बढ़ जाता है सुनाने की दूसरी ओवरी जब रेडी हो जाती है एग बनाने के लिए। तो कॉन्टिन्यूसली आफ्टर 28 डेज के बाद 29th डे में जो वो जितने भी जो वो एंडोमेट्रियम बनी होती है प्लस साथ में एग के रप्चर पार्टी एग रप्चर हो जाता है राइपनिंग होने के बाद एग की रप्चरिंग प्लस साथ में एंडोमेट्रियम राइपेंड एग प्लस एज वेल एज द रप्चर्ड पार्टिकल ऑफ द एंडोमेट्रियम विल बी डिस्चार्ज अपटू 3 to 5 days इज द मिनिमम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कॉपुलेशन यार क्वेश्चन को बोलता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रीच एट पीक ऑन सेक्रेशन ऑन विच डेज, तो 20 डे में ये पीक टाइम होता है इसका, उसके बाद ये जब वो रिग्रेस होना शुरू हो जाती है। आफ्टर दैट जैसे एग बन के बाहर आता फर्टिलाइजेशन द मेन द स्पर्म, उसके बाद ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ओजेनेसिस भी हो गया। ओजेनेसिस में अब M1 जो वो मैं रिज्यूम करवाई होती है जैसे मैंने कि जैसे ही FSH का लेवल बढ़ता है प्राइमरी एग बन के जो वो बाहर आ जाता है, बट जो एग बनता है वो उसका नाम एक्चुअली में एग नहीं होता, दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट, दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट, बट उसकी अनइक्वल जैसे ही जो प्राइमरी ओसाइट की जो वो M1 कंप्लीट हो जाती है तो उससे बनता है सेकेंडरी ओसाइट प्लस साथ में एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है स्मॉल दैट इज स्मॉल साइटोप्लाज्म बॉडी होती है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फर्दर एग। The egg is the secondary oocyte. जो मेल के साथ जो मेटिंग होती है वो एग नहीं होता, दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट अब M2 फिर रिज्यूम जब वो स्टॉप हो गई, अभी सेकेंडरी ओसाइट ही बना था बट एम अभी ओसाइट ओवम तक बना नहीं था। ओवम कब बनता जब M2 कंप्लीट होती, M1 तो कंप्लीट होगी बट एम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ भी हो गए बट M2 तो कंप्लीट नहीं हुई। M2 कंप्लीट वो चल रही थी जैसे ही इसका M2 का फेज चला प्रो फेज चला अब मेटाफेज में रुक गया। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था M1 जो वो स्टॉप हो जाती है प्रोफेज वन में बट M2 जो है वो स्टॉप हो जाती है कौन सी फेज में, मेटाफेज 2 में। ठीक है तो M2 पे मेटाफेज पे ये जो स्टॉप हो जाती है जैसे ही जो उसको स्पर्म M2 कंप्लीट कब होती है, M2 कंप्लीट तब होती है जब फर्टिलाइजेशन होती है व्हेन द मेल प्रो न्यूक्लियस विल बी कंबाइंड विद द फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड इट M2 विल बी रिज्यूम। M2 रिज्यूम हो जाती है वो सेकेंडरी ओसाइट वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, दोनों के दोनों मेट करके जायगोट बना देते हैं, फर्टिलाइजेशन डन हो जाती है। तो ये था लेवल 0 लेवल 1 दोनों में मिक्स कर रहा हूं। वो बोलता है ओजेनेसिस में M1 स्टॉप ये क्वेश्चन देखे हुए सॉरी मैंने M1 स्टॉप एट द प्रोफेज 1 एंड M2 स्टॉप एट द मेटाफेज 2। फॉलिकल एट द बर्थ के टाइम पे 80,000 रहते हैं जिसमें से 400 ही बचते हैं बाकी जो वो डिजेनरेट हो जाते हैं। दिस 400 जो है आगे एग बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इफ यू टॉक अबाउट द साइज ऑफ द एग, द लार्जेस्ट एग किसका होता है, ऑस्ट्रिच का। स्मॉलेस्ट एग इट्स अ बर्ड, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ द एग, वो बोलते हैं एग जो है 3 टाइप के होते हैं, ऑल एसिथल हो गया, मीजोल एसिथल हो गया, मैक्रोल एसिथल हो गया। ऑल एसिथल में वो होता है जिसमें यॉक सैक बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, जस्ट माइक्रो बिल्कुल वेरी वेरी लो अमाउंट में जो वो यॉक सैक प्रेजेंट होता है, तो दैट इज ह्यूमन बींग। हम हमारे जो ह्यूमन बींग के जितने भी एग है दे ऑल आर द ऑल एसिथल और वेरी माइक्रो एसिथल, यॉक सैक बिल्कुल प्रेजेंट कम है। मीजोल एसिथल आ गया एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है यानी कि इसमें थोड़ा मॉडरेट अमाउंट में जो वो यॉक सैक प्रेजेंट हो, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं उनकी। वो पूछ रहा कि रेप्टाइल्स में रेप्टाइल्स की एग की नेचर कौन सी है, ऑल एसिथल है, मीजोल एसिथल है, मैक्रो एसिथल है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर जो यॉक सैक होता है इट इज टू बी प्रेजेंट इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, सो इट्स अ मैक्रो एसिथल मींस यॉक सैक, यॉक
योक के ऊपर डिपेंडेंट है इसके नेचर द टाइप्स ऑफ, तो ये आपका ये वाला पार्ट भी हो गया। क्लेडोइक एग, एग शेल, एग शेल दो तो आपने देखा होगा कि ओविपरस जो जितने भी एनिमल्स होते हैं ओविपरस हो गए, जिसका एग जो एग शेल जो बहुत हार्ड होता है वो क्लेडोइक एग के नाम से जाने जाते हैं, जिनका हार्ड शेल होता है। हार्ड शेल इज टू बी प्रेजेंट इन द जितने भी इंसेक्ट हो गए, रेप्टाइल्स हो गया और एम्फीबियंस आ गए इसमें। हार्ड शेल हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, क्लेडोइक एग जिनके अंदर हार्ड शेल होता है, जिनका हार्ड शेल नहीं होता उनको उनका जो उसको हम नॉन क्लेडोइक एग बोलते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन, लेट्स टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फीमेल पार्ट हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ एग पढ़ लिए, एग की मेम्ब्रेन जैसे सबसे अंदर से जो लार्ज साइटोप्लाज्म विद द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आफ्टर दैट द जोनोप्लासिडा, जोनोप्लासिडा इज फॉलोड बाय द कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा कंटेन्स द ग्रैनुलोसा सेल्स व्हिच इज टू बी सराउंडेड बाय अ लेयर विद द हाई जो वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड नोन एज ए हायलुरोनिक एसिड, हायलुरोनिक एसिड इज टू बी प्रोटेक्टिंग द एग। सो हायलुरोनिक एसिड को रिमूव करने के लिए हायलुरोनिडेज़ चाहिए होता है, व्हिच इज टू प्रेजेंट इन द एंडोसोम पार्ट ऑफ द स्पर्म। जैसे ही जब वो स्पर्म जब उसके पास पहुंचता तो वो ग्रैनुलोसा सेल के जो मटेरियल होता है हायलुरोनिक एसिड उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसके बाद वो जोनोप्लासिडा के अंदर एंटर करता है, जोनोप्लासिडा के अंदर एंटर जैसे ही करता है तो केमिकल रिलीज्ड बाय द एग, एक केमिकल है वो केमिकल रिलीज्ड करता है। बट इज अग्लूटिनेशन रिएक्शन, अग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है फर्टिलाइजिंग और जो एंटी फर्टिलाइजन की जब वो आपस में कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या होती है बोलते कि जितने भी फर्टिलाइजन जो जितने भी हमारे जो एग है, एग एक केमिकल रिलीज करता है, उधर से जो स्पर्म वो भी एक केमिकल रिलीज करता है, वो फर्टिलाइजन करता है वो एंटी फर्टिलाइजन करता है। जैसे अग्लूटिनेशन में हमने प्लस वन में भी पढ़ा था लाइक अग्लूटिन एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को भी हम अग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो सेम केस में जैसे फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर टू बी सेक्रेटेड बाय द ओवम बट एंटी फर्टिलाइजर सेक्रेटेड बाय द स्पर्म, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं हम अग्लूटिनेशन रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन ये होती है जैसे जब ये आपस में इनकी रिएक्शन होती है तो ये कितने सारे जो स्पर्म्स हैं, कितने 100 मिलियन स्पर्म्स जो सेल जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल, 100 मिलियन स्पर्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेनिट्रेटिंग द एग, वो सारे के सारे जो एग की जो मेम्ब्रेन को रप्चर करने में लगे रहते हैं कि हमें क्या हमें एंट्री मिल जाए, हमें एंट्री मिल जाए, हर स्पर्म यही बोलता है। बट सिंगल एंट्री विल फ्रीज, अब सिंगल एंट्री जितनी भी सिंगल एंट्री जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होगी तो उसके अंदर केमिकल जो होता है इसके जो कॉर्पस क्या होते हैं जो कोरोना रेडियाटा जोनोप्लासिडा होता है इसमें एक केमिकल रिलीज होता है, ये पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं जिसके कारण जो वो सारी की सारी मेम्ब्रेन जो वो फ्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण सिंगल एंट्री ऑफ द स्पर्म विल चेक आउट द अदर जो वो स्पर्म एंट्री इनटू द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टिकल रिएक्शन। अग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी आपकी, कॉर्टिकल रिएक्शन होगी, ये इट चेक्स द मल्टीपल एंट्री ऑफ द स्पर्म, वो आ गया कॉर्टिकल रिएक्शन। अग्लूटिनेशन वाली, अग्लूटिनेशन क्या होती है, अग्लूटिनेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन आपस दोनों में मिलते हैं, सो दैट जो जो रिएक्शन इसमें होती है तो इसको अग्लूटिनेशन बोलते हैं। गेमॉन, गेमॉन इज अ केमिकल सेक्रेटेड एक्चुअली में, और गेमॉन इज द केमिकल विच इज टू बी रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ द फर्टिलाइजन। गेमॉन दो तरह का हो सकता है, एंड्रोगेमॉन होते हैं, गेमॉन होते हैं और गाइनोगेमॉन होते हैं। एंड्रोगेमॉन इट इज जस्ट लाइक एंटी फर्टिलाइजन और गाइनोगेमॉन इज जस्ट लेकर टू द रिलेटेड टू द फर्टिलाइजन। फर्टिलाइजन जो फर्टिलाइजन की जो नेचर होती है ये आ गया फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन, ये केमिकल्स होते हैं विच इज टू बी सेपरेटेड। गेमॉन्स के बाद आ गया कॉर्पस ल्यूटियम, नीचे से पीक का हो गया आपका ओवुलेटर्स। ओवुलेटर्स जो है वो तो तीन तरह के होते हैं, ओवुलेटर ओवुलेटर वो होते हैं जिनकी जिनके अंदर ओवुलेशन चलती है। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं सबसे पहले फिक्स्ड स्पॉन्टेनियस हम इसको बोलते हैं, दूसरे होते हैं इंड्यूस्ड, तीसरे होते हैं सीजनल। अब ये वो वाले हैं जिनके फिक्स्ड है, हर मंथ
हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमन बींग का आ गया, एवरी 28 डेज के बाद जो एग बनता है उसके बाद जो वो रप्चर हो जाता है, एवरी 28 डेज के बाद जो एग बनता है उसके बाद वो रप्चर हो जाता है, तो हर मंथ एग बन रहा है। तो इसमें मंकीज आ गए, एप्स आ गए, ठीक है, मंकी एप्स लंगूर, सीजनल सीजनल आ गए वो लाइक फ्रॉग, इनका सीजन होता है मेटिंग करने का और एग फॉर्मेशन का भी इसका सीजन है। इंड्यूस्ड इनको क्या है, इंड्यूस्ड वो होते हैं फिक्स होते हैं, इनको जब कोई भी किसी भी तरह की क्वालिटीज की जरूरत नहीं होती, हर मंथ अपने आप ही एग बन जाना है, बट इंड्यूस्ड को हमें इंड्यूस्ड करवाना पड़ता है, इसको हमें जो है वो एक्टिवेट करवाना पड़ता है, इस मतलब कि इसमें इसको हमें एग बनाना, अगर इनमें से अगर इनकी ओवुलेशन करवानी है, अगर इनमें से जो एग बनाना तो इसको एक बार जो जो इनका कॉटेस करवाना पड़ेगा, इनकी कॉपुलेशन करवानी पड़ेगी, इनकी जब मेटिंग करवानी पड़ेगी, एक बार मेटिंग करवाएंगे इसमें डॉग्स आ गए और रैबिट्स आ गए, ये सारे के सारे वही आ गए इसमें इंड्यूस्ड वाले। तो ये भी आपका कवर्ड हो गया। तो नेक्स्ट हमारा रह गया फर्टिलाइजेशन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ओजेनेसिस हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता है, इसमें रोल ऑफ LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का रोल सभी को पता होना चाहिए, सभी के हार्मोन्स है, वैसे तो हम ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे ह्यूमन फिजियो में किया था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, तो लास्ट पार्ट एक ही पार्ट रह गया आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको करने पड़ेंगे, इसको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा, बिकॉज आपको आपने इसको आई थिंक पहले काफी बच्चे जब उसको पहले जब रेगुलर क्लासेस होती है तब भी छोड़ देते हैं, तो लास्ट में भी छोड़ दोगे। अब इस बार अगर अब भी छोड़ दिया तो आपका जो एक क्वेश्चन जो कट जाएगा, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि नीट का क्वेश्चन जो आपको आएगा इसमें से क्वेश्चन जो आपका कट जाएगा अगर आपने इस पार्ट को जो स्किप किया, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन को प्लेसेंटा का प्लेसेंटा होता क्या, प्लेसेंटा प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है, प्लेसेंटा की सेक्रेशन क्या है, तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका जो क्वेश्चन है अच्छे से करना है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की कंपोजिशन क्या है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सेक्रेट नहीं करता, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सेक्रेट करता है, प्लेसेंटा क्या फंक्शन के नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कैसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस, जैसे डिस्टूडियस प्लेसेंटा हो गया, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा में आपको दिया होगा इसके डिस्टूडियस होता है, नॉन डिस्टूडियस होते हैं प्लेसेंटा, जिसमें ब्लाई जो वो एक सिंपल होती है, जो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ब्लाई प्रेजेंट इन द जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लाई की जो पोजिशन है अगर वो सिंपल है या फिर वो कॉम्प्लेक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्टूडियस और नॉन डिस्टूडियस प्लेसेंटा के बारे में आपने एक बार गो थ्रू कर लेना। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तीनों की तीनों चारों के चारों मेम्ब्रेन आपने कर लिया। एलेंटॉइस, एलेंटॉइस का फंक्शन क्या है, जितने भी एलेंटॉइस मेम्ब्रेन, एक एमनियन है, एमनियन का फंक्शन क्या है, और कोरियन है, कोरियन का फंक्शन क्या है, द फोर्थ वन इज द यॉर्कसैक, यॉर्कसैक का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो जितने भी आपने इसके फंक्शंस क्या क्या है, इनकी लेयर्स के फंक्शन क्या क्या है, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मे बी आई थिंक कि कई कुछ स्टूडेंट ने तो ये पढ़ा भी ही नहीं होगा कि पूरे साल में आपने जब प्लस टू में फेट्स ऑफ जर्म लेयर नहीं पढ़ा होगा। फेट्स ऑफ जर्म लेयर क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको क्वेश्चन आपका बनाएगा ही बनाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर में कंसिडर्ड हो रहा है, एक एनिमल टिश्यू प्लस वन का एनिमल टिश्यू और प्लस टू का आपका जो रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो आपको हर कोई जब जब आप इसको स्किप कर देते हो, जैसे कि वो बोलता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट को बोलता है इम्प्लांट होने के लिए जब कितना टाइम लगता है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉर्म द इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन होने के लिए वो बोलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितना टाइम लगता है, वो तो 6 to probably 1 week लग जाता है इम्प्लांटेशन होने में, जो 1 week लग जाता है, जैसे जायगोट बनता है उसके क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है, जैसे उसकी क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही जायगोट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, पहले मरूला स्टेज आती है, मरूला में 8 to 16 stages जो होती है, मरूला स्टेज होती है, दैट इज जस्ट लाइक ए मलबरी शेप, मरूला के बाद ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रोला आता है, ब्लास्टुला के बाद जो गैस्ट्रोला आता है, गैस्ट्रोला में तीनों की तीनों लेयर्स बन जाती है, वो बोलते हैं कैन यू प्लीज टेल मी द फर्स्ट लेयर व्हिच इज फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंडो एक्टो मेसो, देन आंसर इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फॉर्मड इज द एंडो एक्टो और मेसो, आंसर इज द एंडो,
एंडो सबसे पहले बनती है, बट एक्टो, एंडो एंड मिजो, जब ये तीनों की तीनों लेयर बन गई तो टिश्यू बन गया, मल्टीसेलुलर टिश्यू बन गया, टिश्यू से मेड अप बाय थ्री लेयर, एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस एंड मेसोडर्मिस। एंडोडर्मिस से अब आपकी बॉडी के वेरियस ऑर्गन बन गया, एक जायगोट एक छोटा सा जस्ट लाइक बबल्स है, ठीक है, जायगोट इज अ बबल, तो वो बबल से न्यू बॉर्न बेबी, वो बोलता बेबी कैसे बन जाएगा इसमें से, वो तो उसकी डिवीजन होगी, एक बबल से दो बबल बनेंगे, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, बबल बबल कटने सारे इकट्ठे होके पानी बन गए, पानी से जब वो अब वो जेली बन गया, जेली से वो अब वो एक टाइम पे आके वो टिश्यू बन जाएगा जाने की। तो ये सारे के सारे जो लेयर्स है आपके बॉडी के अंदर कैसे रख, जो वो लेयर टिश्यू बनाना, स्किन ही बनानी है क्या, बाकी कोई ऑर्गन नहीं बनने, तो आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं, आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, ये सभी जो मेड अप बाय थ्री, ये तीन लेयर से ही बने हैं। आपकी आईज बनी हैं, कॉर्निया बनी हैं, ठीक है, हेयर्स बने हैं, स्किन बनी है, नेल्स बने हैं, आपकी इंटरनल ऑर्गन लंग्स बने हैं, किडनी बनी है, और हार्ट बना है, इसोफेगस बनी है, और वेरियस टाइप जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन, टेस्टिकल्स बने हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स बने हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बने हैं, ये जितने भी सारे के सारे बॉडी के जो आपके ऑर्गन है, इंक्लूडिंग योर सेल ऑल्सो, तो दे ऑल विल बी फॉर्म्ड बाय द थ्री लेयर्स ओनली। अब वो कौन कौन से सेल कौन सी लेयर से बने हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो योर मेजर टास्क टू ग्रैप द दिस चैप्टर, आपकी फाइनल जो वो क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस चैप्टर विल बी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये आपको टेबल बनाना है, आपने टेबल सभी आई थिंक सभी के पास होगा, अगर नहीं होगा तो मैं ग्रुप में सभी के पास भेज दूंगा, नीचे यूट्यूब के नीचे सेंड कर दूंगा। एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस का जो टेबल होता है, इसमें टेबल के बीच में एंडोडर्मिस से कौन कौन से आपके ऑर्गन बनते हैं, एक्टोसेंस कॉर्निया, वो आपसे पूछेगा, द कॉर्निया ऑफ द आई इज टू बी मेड अप बाय द एंडोडर्मिस, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्मिस। तो आपको ऑप्शन जो है क्लिक करनी है। तो ऑलमोस्ट हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन विद द लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू एक ही लेक्चर में इस बार कंप्लीट हो गया है। तो फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा आपने पढ़ लेना है, बस एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन हो गया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बोलता कैन यू प्लीज टेल मी द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द वजाइना ऑफ द फीमेल, आंसर इज द लैक्टोबैसिलस प्लस लैक्टोनियोस्ट्रॉक, दीज टू हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द वजाइना, विल फॉर्म द लैक्टिक एसिड ड्यू टू विच एसिडिक कंडीशन विल बी क्रिएट, but that will prevent the entry of the microorganism, microorganism will prevent करती है लगती कैसे, तो ये बड़ा भी question हो गया आपका, smallest हो गया, oligospermia, isozoospermia, necrospermia, this is your homework, कितना sperm कम है, sperm normal है, sperm कम है, जब sperm जो है वो motile नहीं है, तो ये तीनों के तीनों टर्म्स वही है, ओलिगोस्पर्मिया, आइसोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, लेवर हुक का बता दिया मैंने आपको, मॉलवेयर का बता दिया, बार्थोलोमियर का बता दिया, कॉर्न ऑफ सक्शन बनता है, वो बोलते हैं एक ऐसी है जैसे ही स्पर्म जो फीमेल के पास फीमेल का जो जब एग जो स्पर्म जब फीमेल के पास आता है तो वो जो अपनी जोना प्लेसेंटा के ऊपर मेम्ब्रेन है वो ट्रैक करने के लिए एक कौन सा बनाता है, विच इज टू बी एब्सेंट इन द ह्यूमन, ह्यूमन बींग में नहीं होता है, फ्रॉग में होता है, कौन ऑफ रिसेप्शन फ्रॉग में पता ही नहीं होता, टेस्टिस और टेस्टिकल के बीच डिफरेंस, टाइम टेकन टू रीच द ओवम 30 मिनट्स। द फर्स्ट स्टेप रनिंग मेम्ब्रेन एंडोडर्मिस, फेयर्स ऑफ जर्म एक्टो एंडो मेसो के तीनों की आपने टेबल प्लॉट करना है, ठीक है, एंड रेनल लॉ विच जस्ट कनेक्ट द लोअर एब्डोमिनल कैविटी पार्ट टू द टेस्टिकल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉपर ग्लैंड, तीनों के सेक्रेशन क्या क्या, इसका ये फंक्शन क्या रिलीज करता था, लुब्रिकेंट रिलीज करता, मतलब इट इज ए पॉइंट लिखा हुआ मैंने, हायर फेलियर ड्यूरिंग द विड्रॉल मेथड ड्यूरिंग द कॉपर ग्लैंड। हाँ ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये रिपोर्ट हेल्थ का क्वेश्चन है, बोलता कि इन तीनों ग्लैंड में से कौन सी ग्लैंड के जब वो फेल्यूर की वजह, कौन सी ग्लैंड जो है दैट कैन कॉज द फेल्यूर ऑफ द विड्रॉल मेथड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि जब मेल और फीमेल में क्वार्टर्स के टाइम पे विदड्रॉ मेथड जो एक मेथड होता है उसको वो दैट विल बी द हायरली फेल्यूर, कौन सी क्लैंड की वजह से, बिकॉज जो है वो ये टेम्परेरी स्टोर अपने पास
जो कॉपर ग्लैंड होती है ये अपने पास जो स्पर्म कुछ स्पर्म सेल जो है इसके बीच में रह जाते हैं, तो ड्यूरिंग द कोइटस जो है वो ये स्पर्म रिलीज हो सकता है, तो विड्रॉ मैटर को ये फेलर करवा सकता है कौन, कॉपर ग्लैंड। तो सेमिनल प्लाज्मा हो गया प्लस स्पर्म इज इक्वल टू सीमन हो गया, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट हो गया, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मिएशन ओजेनेसिस का हो गया, ओजेनेसिस के जो फॉलिकल्स हो गए, ओगमेंटेशन हो गई, कॉर्टिकल हो गए, गैमोन्स हो गए, कॉर्पस ल्यूटियम का कौन सा लेवल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आ गया, टाइप्स ऑफ जो ओवुलेटर हो गए, फिक्स्ड हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, सीजनल हो गए, लगभग फीमेल के अंदर कौन सा जो वो फीमेल वजाइना के अंदर कौन सा जो वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म 1 to 24 to 48 hours, एग का 48 hours, एक्रोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश टाइप ऑफ द ऑर्गेनली गॉल्जी अपैरेटस बनाता है, एक्सोनियल स्ट्रक्चर 9+2, कैपेसिटेशन क्या होती है, इम्प्लांटेशन अकर आफ्टर कितने दिन में, इम्प्लांटेशन हो जाती है 6 to 9 days लगते हैं, लार्जेस्ट एग कौन सा है, ऑस्ट्रिच का, स्मॉलेस्ट एग कौन सा है, हमिंग बर्ड का, ऑल एसिकल ऑन द बेसिस ऑफ द लॉक्स एग, क्लेडॉइड का ऑन द बेसिस ऑफ द शेल कवरिंग, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेंबर के फंक्शन आपने पढ़ने हैं, फंक्शन ऑफ द सेंटा आपने पढ़ने हैं, दैट्स इट, द चैप्टर इज क्लोज्ड, ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम, गुड लक, बाय बाय।